हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में एंड आल्सो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम द बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आल्सो टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन टू नेवर मिस एन अपडेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स क्विकली गेट डाइव इनटू द वीडियो। सो अगर हम बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो बिटकॉइन का प्राइस अभी नियरली $57,000 चल रहा है एंड एज यू कैन सी कि हमें यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर हमारा फॉलिंग वेज क्रिएट हो रहा था जहां से अभी बिटकॉइन का प्राइस ब्रेकआउट ले रहा है एंड प्रोबेबली जल्दी हमें इसका प्राइस मोर देन $58,000 देखने को मिल सकता है एंड आफ्टर दैट अगेन बिटकॉइन का प्राइस अपना न्यू ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। बिकॉज आज ही के दिन हमें एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिली है कि जो हमारे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है हु इज एलोन मस्क, तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि अभी आप टेस्ला को बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं। दिस मींस कि अगर आपको टेस्ला की कार बाय करनी है देन आप डायरेक्टली बिटकॉइन के अंदर पेमेंट करके टेस्ला की कार को बाय कर सकते हैं। सो ये न्यूज़ हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एज वी नो कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि जो बिटकॉइन है दैट इज अ बबल, ये जल्दी जीरो पर आ जाएगा। सो टू ऑल दोस पीपल कि अभी आप उस बबल से टेस्ला की कार को बाय कर सकते हैं एंड नॉट ओनली दिस बट यहाँ पर एलोन मस्क ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अनाउंस की है कि जो भी लोग टेस्ला की कार को यहाँ पर बाय करते हैं बिटकॉइन के अंदर पेमेंट करते हैं सो ये पेमेंट बिटकॉइन के अंदर ही रहने वाली है। दिस मींस कि जो भी अमाउंट टेस्ला यहाँ से रिसीव करने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन वो इसे फ्लैट के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा एंड वो अमाउंट बिटकॉइन के अंदर रहने वाली है एंड दैट इज अ बिग न्यूज कि इसी को देखते हुए डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस स्पेस के अंदर एंटर होने वाले हैं एंड इसी के चलते बिटकॉइन मास एडॉप्शन की ओर भी मूव कर सकते हैं। बिकॉज इन सब चीज़ों के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया है कि कब हमें बिटकॉइन के अंदर मास एडॉप्शन देखने को मिलता है, कब क्रिप्टो करेंसी को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिलती है एंड नॉट ओनली दिस बट यहाँ पर हमें एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी देखने को मिली है कि ग्रे स्केल है वो कहीं ना कहीं बिटकॉइन को सेल ऑफ कर रहे हैं एंड एज यू कैन सी इन द लास्ट 30 डेज यहाँ पर काफ़ी सारे बिटकॉइन को सेल ऑफ किया गया है। बट ऑन द अदर हैंड जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स है वो कहीं ना कहीं LTC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। दिस मीन्स कि देयर आर चांसेस कि जल्दी हमें LTC का प्राइस और भी ज़्यादा पंप होता हुआ नजर आए एंड LTC आपको यहाँ पर काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। एंड अगर हम बात करें कि किस तरह इस बार का बुल साइकिल मूव कर रहा है, किस तरह अभी हमें बिटकॉइन का प्राइस पंप होता हुआ नजर आ सकता है एंड क्या हमें यहाँ पर करेक्शंस और देखने को मिल सकती है या फिर नहीं, सो दिस टाइम जो बिटकॉइन के अंदर हमें करेक्शन देखने को मिल रही है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा कम है अगर हम कंपेयर करें इसे 2017 से। सो 2017 के अंदर भी हमें बिटकॉइन का प्राइस पंप होता हुआ नजर आया था बट यही अगर हम करेक्शंस की बात करें तो हमें यहाँ पर काफी सारी करेक्शंस देखने को मिली थी, दैट वाज बिटवीन 30% to 40% एंड इनफैक्ट बिटकॉइन के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ है कि हमें मोर देन 50% की भी करेक्शन देखने को मिली है। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिटकॉइन के अंदर डेफिनेटली हमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है एंड यही जैसे जैसे बिटकॉइन मास एडॉप्शन की ओर मूव करेगा देन कहीं ना कहीं ये चीज हमें स्टेबल होती हुई नजर आएगी। एंड अगर हम इस बार की बात करें तो डेफिनेटली इस बार का बुल साइकिल पहले वाले से काफी ज्यादा डिफरेंट है, ये हमें 2017 के अंदर देखने को मिला था। हालांकि यहाँ पर हमें चार्ट के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आती है। सो एज यू कैन सी कि अगर हम इस बार की बात करें तो इस बार हमें बहुत ही कम प्राइस डंप देखने को मिला है, बिटकॉइन ने काफी छोटी करेक्शन यहाँ पर ली है एंड इनफैक्ट अगर हम पास्ट की बात करें तो हमें यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी करेक्शंस भी देखने को मिली है। सो एज यू कैन सी कि पहले बिटकॉइन ने करीब 50% की भी करेक्शन ली हुई है एंड ड्यू टू कोविड हमें यहाँ पर मोर देन 60% की भी करेक्शन देखने को मिली थी। सो दिस इज अ रीजन कि जो बिटकॉइन है दैट इज हाईली फ्लक्चुएट। सो दिस मीन्स कि इस पर भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकती है। ये जरूरी नहीं है कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड अपवर्ड ही जाने वाला है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर नियरली 30% की भी करेक्शन देखने को मिल सकती है। एंड जैसे कि हमने पास्ट के अंदर देखा है कि हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा करेक्शन देखने को मिली है। सो अगर हम 30% की बात करें तो 30% इस पर बिल्कुल ज़्यादा नहीं है एंड डेफिनेटली बिटकॉइन के अंदर हमें इतनी करेक्शन देखने को मिल सकती है। बट ऑन द अदर हैंड इस पर का बुल साइकिल हमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट नजर आ रहा है बिकॉज हमें यहाँ पर काफी ज्यादा डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नजर आ रहे हैं एंड जैसे कि हमने आज की न्यूज के बारे में डिस्कस किया कि अभी आप टेस्ला की कार को बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं। दिस मींस कि इसे देखते हुए ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्पेस के अंदर एंटर हो सकते हैं एंड इनके समय यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर करेक्शन देखने को मिलती है देन डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस नियरली $53,000 to $54,000 तक आ सकता है एंड इनकेस वहां से भी अगर प्राइस नीचे की ओर गिरता है देन जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहने वाला है दैट विल बी समवेयर अराउंड 48,000 to 49,000।
तो इस तरह भी बिटकॉइन का प्राइस गिर भी सकता है। बट एट द सेम टाइम अभी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही है, जिसके चलते अगेन हमें बिटकॉइन का प्राइस अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एंड यही चीज आपको यहाँ से काफी ज्यादा क्लियरली शो हो रही होगी कि बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डेफिनेटली स्पाइक अप कर सकता है एंड बिटकॉइन डेफिनेटली अपना न्यू ऑल टाइम हाई बना सकता है। सो गाइस, आई होप कि यहाँ पर आपको क्लियर हुआ हो कि किस तरह हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर पंप देखने को मिल सकता है एंड किस तरह बिटकॉइन अभी एक स्मॉल करेक्शन भी ले सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है इसे लेकर, प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन। डू यू गाइस थिंक कि अभी एलोन मस्क के ट्वीट के बाद डेफिनेटली और ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हमें देखने को मिलने वाले हैं या फिर नहीं? एंड एज वी नो कि जो एलोन मस्क है वो सिर्फ एक कंपनी के सीईओ या फाउंडर नहीं है, ये बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के फाउंडर एंड सीईओ है। सो इन दैट केस, डू यू गाइस फील कि यहाँ पर हमें बिग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नजर आने वाले हैं या फिर नहीं? प्लीज कमेंट डाउन योर ओपिनियन एंड ऑल्सो मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी पता लगे कि अभी आप टेस्ला की कार को बिटकॉइन के थ्रू बाय कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक टूडेज एपिसोड देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर द रेगुलर क्रिप्टो अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।